हेलो फ्रेंड्स, इग्नू की ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की ऑप्शन आ चुका है। तो अगर जिस कैंडिडेट का एग्जाम दिसंबर सेशन में है या जिन कैंडिडेट ने पिछले एग्जाम में पेपर दिया है और किसी पेपर में बैक आ गई है, दिसंबर एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिनका जो सेशन चल रहा है दिसंबर एग्जामिनेशन का, वो भी इस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ऑनलाइन हम इसका फॉर्म कैसे फिल करें और खुद से ही अपने द्वारा हम अब इस ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ पे एक वेबसाइट टाइप करनी है इग्नू की। तो यहाँ पे आपको लिखना है IGNOU.ac.in और इस वेबसाइट को डायरेक्टली आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप वेबसाइट को सर्च करेंगे, सबसे लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर TE दिसंबर 2019। तो ये दिसंबर के लिए आ चुका है इसकी अपडेट, और इसकी डेट कब से स्टार्ट हो चुकी है ये हम सारी जानकारी इसके लिंक पे क्लिक करके ले सकते हैं। तो इसके लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी गाइडलाइन और इंट्रक्शन सबमिशन फॉर्म को। तो 5 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को विदाउट लेट फी के भर सकते हैं। लेकिन अगर आप 6 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में फिल करते हैं तो आपको 500 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक फिल करते हैं तो आपको 1000 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और 1 नवंबर से 30 नवंबर तक फिल करते हैं तो आपको ये 1000 रुपीज भी पेड करना पड़ेगा, और हार्ड कॉपी डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा आपको भेजनी पड़ेगी इसकी। तो ये सारी जानकारी लेने के बाद आपको इस फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा कि आपको कितनी फीस भरनी है। तो अगर आपके पास थ्योरी सब्जेक्ट है तो 150 रुपीज आपको फिल करना है। पहले इसकी फीस 120 हुआ करती थी, लेकिन अब ये फीस बढ़ के 150 हो गई है। और अगर आपके पास कोई प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल की भी फीस आपको 150 रुपए देनी पड़ेगी। इसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको टिक करना है डिक्लेरेशन फॉर्म पे, और यहाँ पे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। सबसे पहले आप अपना यहाँ पे प्रोग्राम कोड लिखेंगे जो आपका कोड है। सेकंड वाले कॉलम में इनरोलमेंट नंबर लिखना है। और यहाँ पे आपको लिखना है मोर टर्म ऑफ पेमेंट कि आप अपने कार्ड से करना चाहते हैं या आपके इंटरनेट बैंकिंग है या किसी साइबर कैफे से आप पेमेंट कराते हैं। क्लिक करना है सबमिट के ऊपर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बार काफी कुछ चेंज किया गया है आपके एग्जाम सेंटर के अंदर। और सबसे पहला चेंज यह है कि आपका एक जो एग्जाम सेंटर है उसके अंदर 3 प्रेफरेंस दिए गए हैं। तो पहले आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल किया गया है। तो उसको सर्च करने के बाद आप यहाँ से पूरा जानकारी इसका ले सकते हैं। तो जैसे कि अगर मान लो कि मुझे दिल्ली का सर्च करना है तो यहाँ पे फाइंड करना है कंट्रोल F और लिखना है दिल्ली। दिल्ली लिखने के बाद आपको यहाँ पे सारे एग्जाम सेंटर नजर आ जाएंगे जो भी आपको चाहिए। तो देखो यहाँ पे बदरपुर भी शो कर रहा है, आपको फरीदाबाद भी शो कर रहा है, लाजपत नगर कर रहा है। तो जो भी मतलब जिस भी स्टेट का आपको फॉर्म फिल करना है वो स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि यहाँ पे आप कोड देख सकते हैं, यहाँ पे बदरपुर का कोड शो कर रहा है 07007। तो पहले इसको नोट कर लें, और जो जो भरना है और उसके नियर बाई जैसे भरना चाहते हैं तो उसका भी सिलेक्ट कर ले। जैसे कालका जी सबसे नियर पड़ता है तो इसका भी भर सकते हैं। तो जो जो आपके नियर बाई यहाँ शो हो रहा है उसको आप इजिली इसके अंदर में फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ सारे जगह का नाम है, यहाँ देखो एक जयपुर भी शो कर रहा है, तो ये भी एग्जाम सेंटर में आप सेट कर सकते हैं। और इसके बाद हम वापस अपनी वेबसाइट लिंक पे जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे। तो जैसे मैंने लिखा 07008, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जयपुर कोड आ गया। फिर हमने दूसरा सेंटर लिया 07008, तो यहाँ पे आप देखेंगे कालका जी आ गया। तो हमने सेकंड सेंटर ले लिया कालका जी। तीसरा हमने सेलेक्ट किया है 07
000007। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बदरपुर का कोड आ गया। तो जो भी आपको कोड नियर बाय आपको दिखता है वो आप यहाँ पे इजिली सर्च करके आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो जैसा भी कोड आपको बेटर लगे आप इसमें सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद वो कोड इजिली सर्च करके आप इसमें फुलफिल कर सकते हैं। फिल करना है कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ में फर्स्ट कॉलम में पहले लिखना है दिन, दिन क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेकंड आपको सेलेक्ट करना है मंथ, मंथ यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपको ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप कैंडिडेट का ईयर टाइप करते हैं। तो ईयर टाइप करने के बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है जेंडर, जेंडर सिलेक्शन लेना है। अगर आपकी कोई ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी सर्च कर सकते हो, मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आप जेंडर सिलेक्शन करेंगे, ईमेल आईडी यहाँ पे आपको लिखनी है। अगर ईमेल आईडी पहले से दी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप नई ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो नई ईमेल आईडी दे सकते हैं, मोबाइल नंबर दे सकते हैं। आधार नंबर ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है कि आधार नंबर आपको फिल करना है, अगर आधार नंबर है तो फिल कर दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सब्जेक्ट, तो आपके जो सब्जेक्ट होंगे वही आएंगे। पहले क्या होता था कि जितने सब्जेक्ट होते थे वो सभी आ जाते थे, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेने हैं अपने सारे सब्जेक्ट को, और यहाँ पे जितने भी हैं सब्जेक्ट वो सेलेक्ट कर लो आप वन बाय वन। तो हमने चार सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे कह रहा है आर असाइनमेंट सबमिटेड एंड अबव, तो यहाँ पे आपको यस कर लेना है। अगर आपने जमा नहीं किया है तो आप 31 सितंबर से पहले पहले 30 सितंबर से पहले पहले अपने सारे असाइनमेंट को सबमिट करा दें अपने स्टडी सेंटर में। अगर आप नहीं जमा कराते हैं तो आपको एग्जाम सेंटर में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये सारी जानकारी आप लेके ही अपना फॉर्म फिल करवाएं। फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद अब आ जाता है आपकी सारी डिटेल, तो ये डिटेल को रीड कर लेना है कि आपने जो चीजें भरी हैं वो बिल्कुल सही फिल की गई है, सब्जेक्ट आपके ओके हैं, अगर नहीं है तो उसे रीचेक करें, बैक करके दोबारा से इसे फिल कर सकते हैं। देन क्लिक पे नाउ, पे नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो पेमेंट में है HDFC और IDBI, तो जो बैंक का अकाउंट आप के थ्रू पेड करना चाहते हैं उस बैंक को सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है, तो आपका अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपको कितना पे करना है, और उस अमाउंट को इसको फिल कर लेना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, आपको जो भी कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, मतलब जिसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आप यहां से पेड कर सकते हैं। जैसे HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है, HDFC बैंक का डेबिट कार्ड है, या फिर अदर बैंक क्रेडिट कार्ड है तो अदर बैंक क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, और यहां पे सारी डिटेल को सिलेक्ट करके आप पे करके अपना इसमें से कंट्रोल नंबर जनरेट होगा, वो कंट्रोल नंबर आपको रख लेना है और फिर एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेनी है। तो डेट शीट इसकी अभी नहीं आई है, जैसी डेट शीट इसकी आएगी आपको इसका ऑनलाइन अपडेट मिल जाएगा। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा, जिससे कि आप डायरेक्टली इस पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे और अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये था इग्नू का ऑनलाइन दिसंबर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई है तो प्लीज इसको आप फिल करें, और हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और इसे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।